कांग्रेस की राजस्थान इकाई में पैदा हुए संकट के बीच पार्टी की अनुशासनात्मक समिति ने राजस्थान के शांति धारीवाल, महेश जोशी और विधायक धर्मेंद्र राठौर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस की समिति ने राजस्थान के तीन नेताओं को 10 दिन के भीतर यह जवाब देने के लिए कहा गया है। साथ ही गंभीर अनुशासनहीनता के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों न किया जाए, इसका नोटिस में जवाब मांगा गया है। इससे पहले पार्टी पर्यवेक्षकों ने घोर अनुशासनहीनता के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी नेताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की थी। सूत्रों ने बताया कि दोनों पर्यवेक्षकों मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन ने सोनिया गांधी को सौंपी अपनी रिपोर्ट में सीधे तौर पर मुख्यमंत्री गहलोत का उल्लेख नहीं किया। हालांकि उनके समर्थक विधायकों की ओर से आधिकारिक विधायक दल की बैठक से इधर एक बैठक करने को अनुशासनहीनता करार दिया है। उधर कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता AK एंटोनी को पार्टी नेतृत्व ने दिल्ली बुलाया है। वह आज देर रात या बुधवार को दिल्ली पहुंच सकते हैं और उनके सोनिया गांधी से मुलाकात की संभावना है। एंटी संकट को सुलझाने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। एंटी पार्टी की अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति के प्रमुख भी है। इस बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी ने कहा कि पार्टी में अनुशासन बनाए रखना सर्वोपरि है। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद माकन ने भी कहा था कि विधायकों का अलग बैठक करना अनुशासनहीनता थी। बता दें कि राजस्थान में गहलोत कैंप के विधायक सियासी खींचातान के लिए प्रदेश प्रभारी अजय माकन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। गहलोत कैंप के मंत्री शांति धारीवाल का आरोप है कि अजय माकन गहलोत को हटाने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। आरोप है कि अजय माकन सचिन पायलट को CM बनाने के लिए लामबंदी कर रहे थे। गहलोत कैंप के विधायकों के विरोध की वजह से आलाकमान अजय माकन को प्रदेश प्रभारी पद से हटा सकता है। बता दें कि पिछली बार पायलट कैंप ने बगावत की थी, उस समय प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे पर गाज गिरी थी। इस बार अजय माकन पर गाज गिर सकती है। चर्चा है कि अजय माकन CM गहलोत से बिना मिले ही दिल्ली चले गए थे। अजय माकन के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे CM गहलोत से मिलकर दिल्ली रवाना हुए थे। ताजा घटनाक्रमों में यही आरोप गहलोत खेमे ने अजय माकन पर लगाए हैं। माना जा रहा है कि इन तीनों मंत्रियों को कारण बताओ नोटिस अंदरखाने में दिया जाएगा, जिसका जवाब भी इन मंत्रियों को देना होगा। लेकिन जिस तरह से शांति धारीवाल ने रुख अपनाया है, उससे वे साफ संदेश देना चाहते हैं कि राजस्थान में अजय माकन लंबे समय से गुटबाजी को प्रमोट कर रहे थे। धारीवाल ने दावा किया कि उनके पास इस बात के सबूत है कि अजय माकन गुटबाजी को हवा दे रहे थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।